कह दो मुझे जो पिया वेलकम टू सागर रिवा गाइस। आप लोगों ने इस टाइम इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि इस टाइप की रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसमें टी शर्ट में कपल का नेम लिखा होता है, तो कपल रहते हैं उनके टी शर्ट में उनका नेम लिखा होता है। गाइस आज मैं आप लोग को कुछ इस तरह की रील को एडिट करना सिखाऊंगा। गाइस आप लोग सिंपली क्या करना है, मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप लोग को समझ में नहीं आया कि इस रील को कैसे एडिट करना है, गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है कि आप लोग को अपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद गाइस आप लोग यहां पे बिंग एआई जनरेटर आप लोग को सर्च करना है। करने के बाद गाइस आप लोग को पहली बार जो लिंक मिलेगी इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। आप लोग गाइस जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग गाइस क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना पहले ईमेल से साइन इन कर लेना है। इसके बाद गाइस आप लोग क्या करना है, जो बॉक्स दिख रहा है आप लोग यहाँ पे जिस भी टाइप की इमेज जनरेट करनी है आप लोग को उस टाइप के यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देना है। मैंने यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा है, मैं इस तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस अगर आप लोग को ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं आप लोग को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, कि फिर अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर सिंपली कॉपी यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। अब लोग गाइस क्या करना है, यहां पे जो नेम है नेम की जगह पे आप लोग अपना नेम डाल सकते हैं, जो भी आप लोग का नेम हो। जैसे यहां पे लड़का है तो किंग की जगह आप लोग को अपना वॉइस अपना नाम डाल दे सकते हैं, एंड क्वीन की जगह गर्ल्स अपना नाम डाल सकते हैं। यहां पे गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहां पे आप लोग गाइस थोड़ी देर तक वेट कर लें तो आप लोग की इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। गाइस यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक दिन में 15 बारी फोटोज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसे मैंने बॉय एंड गर्ल डाला था, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आया है। यहाँ पे गाइस हम बॉय की जगह मेन डाल देंगे एंड गर्ल की जगह हम यहाँ पे वूमेन डाल देंगे। वूमेन एंड जो ये गर्ल है यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे गाइस हम क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं क्या इमेज जनरेट होकर यहाँ पे आई हैं। गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग को इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग गाइस इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग को थ्री डॉट मिलेगा, आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करके इमेज को यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बैक आ जाना है गाइस। गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ दूसरी टाइप के यहाँ पे इमेज जनरेट करें, तो जैसे यहाँ पे मेरा टी शर्ट है यहाँ पे मैं शर्ट के आगे यहाँ पे डाल दूंगा एंड हग। यहाँ पे गाइस क्या करना है, अब आप इसे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ दूसरी तरह की इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए गाइस अब यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज जनरेट हुई हैं, आप लोग को इनको फिर से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। गाइस आप लोग को बैक आ जाना है। गाइस आप लोग क्या करना है, आप लोग को पूरा बैक आ जाना है। गाइस पूरा बैक आने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को अपने वीपीएन को कनेक्ट करना है सबसे पहले। गाइस आप लोग को प्ले स्टोर में आप लोग को वीपीएन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना किसी भी वीपीएन को। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए आप लोग को बैक आ जाना है। अब आप लोग कैपकट ऐप को अपने ओपन करना है। अब यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को अपने फोटो अलाउ कर देना है इसको पहले। एंड यहाँ पे आप लोग को गाइस फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। फोटो वाले ऑप्शन पे जाके गाइस आप लोग अपनी फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऐड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है। आप लोग क्या करना है, आगे जाना है एंड जो कैपकट ऐप का वाटरमार्क है इसको यहाँ सेलेक्ट कर डिलीट कर देना है। जो ये फोटो की लेंथ है आप लोग को इसको यहाँ पे बढ़ा के 10 से 15 सेकंड तक कर देनी है। जितनी भी आप लोग को यहाँ पे इसकी लेंथ रखना हो आप लोग रख सकते हैं, 10 सेकंड तक रखेंगे। अब यहाँ पे गाइस आप लोग को बैक आना है एंड यहाँ पे आप लोग को रेशियो का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग रेशियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग टिकटॉक वाला 9:16 वाला रेशियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग क्या करना है, आप लोग को फोटो पे क्लिक करना है एंड इसको ऐसे जूम करना है। एंड अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को लेंस वाला ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे साइड स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप लोग को ब्लर वाला इफेक्ट मिलेगा, आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे ब्लर इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना आप लोग को रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। एड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको पूरी फोटो में यहाँ पे रख देना है। आप लोग क्या करना है, इसे बैक आना है, वाले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडो वाले पे क्लिक करना है। आप लोग को यही वाली फोटो फिर से यहाँ पे ऐड कर देनी है एंड इसको ऐसे यहाँ पे रख देना है। इसको भी लेंथ आप लोग को इसी फोटो के बराबर रख देनी है, ये आप लोग को पहली वाली फोटो थी तो तक आप लोग को रख लेना है।
अब लोग गाइस क्या करना है, आप लोग को ऊपर जाना है एंड इसकी यहाँ पे 1080p करना है, फ्रेम रेट एंड फोटो रेट को फुल करना है, रो वाले ऑप्शन से आप लोग को वीडियो सेव कर देना है। गाइस हमारी वीडियो यहाँ पे सेव हो चुकी है, आप लोग डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग को बैक आना है, आप लोग को फिर से जाना है गूगल पे, यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। यहाँ पे सर्च कर देना है, आप लोग को यहाँ पे पहली बार जो लिंक मिलेगी आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करना है, आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग को नीचे साइड स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप लोग को यूज टेम्पलेट इन कैपकट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग का टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अभी आप लोग जो वीडियो बना के सेव किया है आप लोग उसी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, व्यू वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है, थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेना है, आप लोग की वीडियो यहाँ पे सिंपली बनकर रेडी हो जाएगी। गाइस आप लोग की वीडियो यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस आप लोग का करना है सिंपली यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, शॉर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। गाइस आप लोग क्या करना है, वीडियो को सेव हो जाने के बाद आप लोग को फिर से कैपकट ऐप के अंदर इस वीडियो को ओपन करना है, इसमें म्यूजिक ऐड करना है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को जब वीडियो बन जाए आप लोग डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसको यहाँ से पूरा रिफ्रेश कर देना है, एंड फिर से गाइस आप लोग को अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। गाइस आप लोग को यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, तभी आप लोग जो वीडियो बना के सेव की है आप लोग उसी वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप लोग ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस आप लोग का करना है आगे जाना है, जो भी है ना जो कैपकट ऐप का वाटरमार्क है इसको यहाँ सेलेक्ट कर डिलीट कर देना है, एंड इस वीडियो की जो म्यूजिक है इसको यहाँ से कर देना है, म्यूट कर देना है। एड ऑडियो पे जाना है, सेटअप पे जाना है, एंड गाइस आप लोग को यहाँ पे जो भी म्यूजिक पसंद हो आप लोग यहाँ पे वो म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वाले म्यूजिक की लिंक चाहिए आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग ऐड कर सकते हैं। आप लोग क्या करना है, इम्पोर्ट साउंड वाली पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, आप लोग को आगे जाना है, जो बाकी का जो पार्ट बचा है म्यूजिक के आगे का आप लोग को इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। गाइस आप लोग क्या करना है, इसको 1080p में करना है एंड फ्रेम रेट एंड कोड रेट को फुल करके तो वाला अच्छे से आप लोग को वीडियो को सेव कर देना है। गाइस अगर आप लोग को इस वीडियो को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप लोग उस पर जाकर मुझे फॉलो एंड मैसेज कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।